प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, 20 नवंबर 2021 को 23:31 पर गुरुदेव बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो अपनी नीच राशि को छोड़कर के कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग 13 अप्रैल 2021 को 15:52 पर उनका पुनः राशि परिवर्तन होगा और वो कुंभ राशि छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसे में जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, जो 20 नवंबर को होने जा रहा है, वो 13 अप्रैल 2022 तक प्रभावी रहेगा और इस समय पर बृहस्पति अपनी कुंभ राशि में रहेंगे। और यहां पर दर्शकों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इस राशि परिवर्तन के साथ ही बृहस्पति सूर्य और बुध के साथ युति भी बनाएंगे कुंभ राशि के अंदर और कुछ समय के लिए ये अस्त भी अवश्य होंगे। पहले हम इसकी डेटा पर बात करते हैं और फिर इसके प्रभाव पर भी बात करेंगे। दर्शकों, 13 फरवरी 2022 को कुंभ संक्रांति भी है, यानी कि सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और उसके साथ ही बृहस्पति और सूर्य का एक योग बनेगा कुंभ राशि के अंदर। लेकिन दर्शकों, उसके थोड़े दिन बाद ही 19 फरवरी 2022 को बृहस्पति अस्त भी होंगे और ये 20 मार्च 2022 तक रहेंगे। लगभग 1 माह 1 दिन का समय होगा जब बृहस्पति अपनी इस राशि में, यानी कि कुंभ राशि में अस्त भी रहेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, 5 मार्च 2022 को बृहस्पति और सूर्य कुंभ राशि के अंदर समान डिग्री पर होंगे, लगभग 20 डिग्री पर होंगे और ये वो समय होगा जब बृहस्पति पूर्णतया अस्त होंगे, समान डिग्री पर सूर्य के साथ होंगे और ऐसे में उस समय पर बृहस्पति का प्रभाव लगभग शून्य होगा। लेकिन 6 मार्च 2022 को बुध का भी एक राशि परिवर्तन होगा और कुंभ राशि के अंदर बुध आदित्य योग का भी निर्माण होगा और उसके साथ बृहस्पति की उपस्थिति भी रहेगी। और 24 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक कुंभ राशि में पुनः बृहस्पति अकेले ही रहेंगे। ऐसे में दर्शकों, ये जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, ये सही मायने में हमें बहुत बड़ी राहत देने वाला है। दर्शकों, जैसे ही 20 नवंबर को बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, उसके साथ ही आप ये जो असामाजिक तत्वों के द्वारा जो गतिविधियां हो रही हैं पूरे विश्व के अंदर, खासतौर पर भारत की भी यदि मैं बात करूं, तो उसमें आप कमी अवश्य देखेंगे। ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, इसमें भी आपको कमी देखने को मिलेगी। और आप जो मुंबई के अंदर इस समय पर जिस तरह का माहौल देख रहे हैं, आर्यन का केस हुआ, उसके अलावा आपने मुंबई के अंदर देखा अनिल देशमुख का देखा, और ईडी ने जिस तरह से अजीत पवार जी की संपत्ति को जब्त किया है, इस तरह की जो घटनाएं अभी आप देख रहे हैं, इनमें कुछ लगाम लगती हुई आपको 20 नवंबर के बाद अवश्य दिखेगी। यानी जांच की दिशा सही तौर पर चले, मीडिया का ट्रायल कम हो या बंद हो जाए और इन खबरों को आप सुर्खियों में ना देखें, इसकी संभावना अवश्य बनेगी 20 नवंबर के बाद से। लेकिन दर्शकों, उसके साथ एक बात और हमको देखनी है, जैसे ही सूर्य के साथ आकर के बृहस्पति अस्त होंगे, पुनः विवेक का क्षय होगा, विवेक में कमी आएगी और दोबारा से कुछ ऐसी ही हरकतों को आप बढ़ता हुआ भी अवश्य देखेंगे। दर्शकों, मैंने आप लोगों से कहा भी है कि 2022 का साल राजनीति के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जाना जाएगा। ऐसे में पुनः एक बार बृहस्पति का अस्त होना, वो भी लगभग 1 माह और 1 दिन का, और वो समय होगा लगभग 19 फरवरी से लेकर के 20 मार्च के बीच में, और ये वो समय होगा जब आप फिर इस तरह की घटनाओं को बढ़ता हुआ देखेंगे। यानी बड़े लोग फिर इस तरह की हरकतों के अंदर पकड़ में आएंगे, उनके खिलाफ जांच होंगी, कुछ लोग होंगे जो अपनी हरकतों से उन्हें कुछ ऐसी परिस्थितियों को पैदा करेंगे जिसके कारण से उन्हें कानून का सामना करना पड़े और उनकी पद प्रतिष्ठा में थोड़ी कमी आए। क्योंकि दर्शकों, बृहस्पति ज्ञान का कारक है और जब ज्ञान अस्त होता है तो व्यक्ति की बुद्धि भी भ्रमित होती है। ऐसे में
बुध आदित्य योग का बनना इस बात का संकेत देता है कि घटनाएं बड़ी तो नहीं होंगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होंगी अवश्य। लेकिन दर्शकों, सूर्य के साथ में बुध आदित्य योग के बन जाने के कारण से आप इस तरह की बड़ी घटनाओं को नहीं देखेंगे, लेकिन कुछ अनुपात में इस तरह की घटनाएं फिर अवश्य होंगी। लेकिन जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, ये सही मायने में भारत को थोड़ा सुकून अवश्य देगा, लेकिन राजनीतिक गलियारों के अंदर इसका एक व्यापक असर भी देखने को अवश्य मिलेगा। ऐसे में कानून के जांच के दायरे में बहुत सारे और लोग भी आएंगे, अलग तरह के मैटर बनेंगे जिसको सॉल्व करने के लिए कानून की थोड़ी सख्ती भी होगी, जिसमें कुछ बड़े लोग पकड़ में भी आएंगे। और इस बार उसका जो दृष्टिकोण मुझे दिख रहा है, वो किसी तरह के काले धन को लेकर के कुछ बड़ी कार्रवाई हो, इसकी संभावना मुझे दिख रही है। क्योंकि बुध व्यापार का कारक होता है, सूर्य प्रशासन का कारक होता है और बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है। ऐसे में यदि इस पूरी युति को मैं डिकोड करता हूं, तो एक बात मुझे समझ में आती है कि सरकार सख्त होगी, जिसके कारण से व्यापारिक क्षेत्र के अंदर या अर्थव्यवस्था को लेकर के फाइनेंशियल किसी तौर तरीके को ठीक करने के लिए कुछ बड़े कदम ऐसे उठे जिसके अंदर काले धन जैसे मुद्दे भी सामने आए, कुछ लोग ट्रेस हो, जिनके नाम उजागर हो, उनपे कार्रवाइयां हो, इस तरह की संभावना मुझे अवश्य नजर आ रही है। और ये एक माह का लगभग समय होगा और इस समय पर ही इस तरह की घटनाएं भी अवश्य होंगी। लेकिन दर्शकों, बृहस्पति का राशि परिवर्तन लगभग सभी राशियों के लिए ठीक रहेगा, सिर्फ एक दो राशि को छोड़कर। और उसमें मैं आपको बताता हूं कि बृहस्पति का राशि परिवर्तन किन लोगों के लिए खराब रहेगा। तो वो दो राशियां हैं जो बृहस्पति के इस परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होगी, और वो है वृषभ राशि और तुला राशि। वृषभ राशि और तुला राशि वालों के लिए ये संकट कुछ ज्यादा बड़ा होगा। और यदि आपका भी लग्न भी यदि वृषभ और तुला है, या राशि आपकी वृषभ और तुला है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, बृहस्पति के अस्त होने के बाद से लेकर के बृहस्पति के उदय होने तक आपको हर हाल के अंदर अपने आप को ऐसी परिस्थितियों से बचा के रखना है जो अनैतिक हो, अन्यायपूर्ण हो, या जिसमें किसी भी तरह का ऐसा कोई दंड का प्रावधान बनता हो जो आपके लिए खतरे की घंटी बनाता हो। तो आपको अपने आप को ऐसे कृत्यों से जरूर बचा के रखना है। दर्शकों, बृहस्पति के इस परिवर्तन के कारण से सिर्फ दो ही राशि और लग्न के व्यक्ति हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, जिनको के नकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ऐसे में आपको यह ध्यान अवश्य रखना है और अपने आप को उस पर्टिकुलर एक माह के लिए अपने आप को बहुत संभाल करके चलना है। यदि आप ये करने में कामयाब रहे, तो आप किसी भी बड़ी मुसीबत से फिर अपने आप को बचाने में कामयाब अवश्य रहेंगे। मात्र उस समय पर धैर्य रखिए, उसके बाद में पुनः आप अपने अनुसार जो कार्य कर रहे हैं करिए, लेकिन उस पर्टिकुलर समय पर वृषभ राशि और तुला राशि, या वृषभ लग्न और तुला लग्न वाले विशेष सावधानी रखें और अपने आप को बहुत ही डिफेंसिव मोड में लेकर के चलें। किसी भी तरह की कानूनी प्रक्रिया के अंदर अपने आप को न उलझने दें और किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन आपसे ना हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। दर्शकों, मैंने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको ये बताने का प्रयास किया है कि बृहस्पति का ये परिवर्तन किस तरह से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा और आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।